कम देखे कर को नहीं भैया भाई मैं तो आप बिना ड्रेस हो एक बात सुनो ऑर्डिनरी टाइप का बिना ड्रेस आदमी मेरा फोन लेके चल पड़ा ये क्या तरीका था आपकी ड्रेस कहाँ है अगर आप ड्यूटी पे हो तो ड्रेस ना पे दी मैंने तो के दिमाग ना खराब करो तो क्या हो जाए वो आपसे आपकी ड्रेस का पूछा है किशो एड्रेस है तेरी के नाम है सर देखना सर मैं क्या आप विदाउट ड्रेस आदमी हो ऐसे डील करे हो जूता दिखा जी कस्टमर नमस्कार। अभी अभी जो आपने तस्वीरें देखी इन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ बहस कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसे थप्पड़ मारने की धमकी भी दे रहा है थप्पड़ मारने की बात भी कह रहा है। तो ऐसे में ये पूरा मामला क्या है पूरा वाक्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल ये पूरा वाक्या जो है ये भावदीन टोल प्लाजा का है और जिस व्यक्ति के साथ बहस हो रही है वो लक्ष्मी नारायण है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है अपनी गाड़ी से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है और दूसरा व्यक्ति जो थप्पड़ मारने की बात कह रहा है वो भावदीन टोल का कर्मचारी जो है वो बताया जा रहा है। ऐसे में लक्ष्मी नारायण कौन है ये वही लक्ष्मी नारायण है जिसने जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था एक पुलिस वाले के साथ फतेहाबाद का जो वीडियो था और उसमें वो पुलिस कर्मचारी जो है वो काफ़ी बदतमीजी करता हुआ लक्ष्मी नारायण के साथ दिखाई दे रहा था। तो उस मामले पर संज्ञान लेते हुए SP से फतेहाबाद ने उस कर्मचारी को जो है वो सस्पेंड कर दिया। उसके बाद सुबह का समय था 5 बजे का और 5 बजे लक्ष्मी नारायण अपनी गाड़ी से सामान लेकर के हिसार की तरफ जा रहा था। तो लक्ष्मी नारायण का साफ तौर पे कहना है कि उसने 4:29 पे अपने फास्टैग को रिचार्ज किया था जो ये तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ और फास्टैग को रिचार्ज करने के बाद 1795 उसके फास्टैग बैलेंस में ऐड हो गए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण अपने घर से चलता है टोल पे पहुंचता है टोल पे 5:09 पे पहुंचता है और 5:09 में यानी कि 39:40 बाद भी उसका फास्टैग जो है वो एक्टिव नहीं होता। टोल कर्मचारियों का कहना होता है उस समय कि आपके फास्टैग का बैलेंस जो है वो जीरो है लेकिन हकीकत आपके सामने है लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 40 मिनट बाद भी अपडेट नहीं होता है। तो लक्ष्मी नारायण से जबरन जो है वो 200 रुपये लेने की बात जो है वो कही जा रही है। ये स्लिप भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 30-35 रुपये लगने चाहिए थे वहाँ पे 200 रुपये की पर्ची जो है वो लक्ष्मी नारायण से काटी जाती है। यानी कि टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी और लूट देखिएगा कि फास्टैग में पैसे होने के बावजूद भी 200 रुपये की पर्ची जो है वो काटी जाती है। खैर आगे उस वीडियो में क्या कुछ होता है देखिए जरा कम देखे कर को नहीं भैया आप बिना ड्रेस हो एक बात सुनो ऑर्डिनरी टाइप का बिना ड्रेस आदमी मेरा फोन लेके चल पड़ा ये क्या तरीका था आपकी ड्रेस कहाँ है अगर आप ड्यूटी पे हो तो ड्रेस ना पे दी मैंने तो के दिमाग ना खराब करो तो क्या हो जाए वो क्या खतर मार दिया मार दे बिलास सरदार जी नहीं हो बस सरदार जी ओके तरीका मैं मार दियो क्या मार दियो भाई मैंने आपसे आपकी ड्रेस का पूछा है किशो एड्रेस है तेरी के नाम है सर देखना सर मैं क्या आप विदाउट ड्रेस आदमी हो ऐसे डील करे हो जूता दिखाओ जी आप कस्टमर केयर वालों के ये कैसे सर मैं 135 कौन पे करेगा मैं भाई लिख के देता हूँ ये कोई पे नहीं करेगा वो तो मेरा हेडिंग है सर ना करे आपकी गलती नहीं है आप नहीं ले रहे हो आप गलती लेकिन आप आपका बंदा देखिए किस तरह बात कर रहा है मैं मारता हूँ कुछ नहीं करा भैया आप कंप्लेंट रजिस्टर दीजिए मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ मिस भी होगी कंप्लेंट कर रहा हूँ सर मैं इनकी मैं पहले करूंगा आपकी करो मैं करूंगा आप करो सर मैं करूंगा भैया आपने जैसे मैं आपसे बड़ा हूँ मैं बाइक मैं आपको सर और कह रहा हूँ जब से कोई गलत बोला मैंने आपको सर आप होते कौन हो मेरी रिकॉर्डिंग बंद करने वाले ये तरीका क्या था ये कौन होता है मुझे जूता दिखाने वाला नहीं अभी कह रहे हैं मैं मारता देर नहीं लगाऊंगा मैं एक ही बात बोलता हूँ कुएं में जैसी आवाज लगाओगे ना वैसी आगे से आएगी मैंने ये बात बोली मैंने बाइक अब आप मेरी कंप्लेंट रेज कीजिए कि आपके बंदे ने ड्रेस नहीं पहन रखी और मुझे जूता दिखाया और मैं आपको आपकी वो करना मेरे खिलाफ FIR कर देना आप मुझे कंप्लेंट रजिस्टर दीजिए प्लीज सर हाँ ऊपर जाकर करिए आइए सर कंप्लेंट आप जाइए मैं नहीं जाऊंगा भैया मेरी लाइन की ड्यूटी है ठीक है समझ मेरी IT रूम की ड्यूटी नहीं है जी कोई बात नहीं इनका नाम क्या सर
सुनील है भाई, मेरा नाम हैप्पी है। आपकी नहीं सुनील, सुनील लिखने से। हाँ मेरा नाम हैप्पी है। लाइन नंबर कितनी थी? 14 की 14 किसी लाइन में हम सारे। तीन नंबर लाइन पर सुनील ड्यूटी पे हैं, जिन्होंने मुझे जूता दिखाया है और थप्पड़ मारने की धमकी दी है। मैं अभी जा रहा हूँ। अभी ऊपर कोई भी नहीं मिलेगा सर, 24 आवर चलता है ना ये। हाँ डे में आना भैया, 24 आवर लोगों के लिए, ऐसे लोगों के नहीं होता जो ये कहते भी आप रिकॉर्डिंग बंद करने वाले होते कौन है, क्योंकि पहले मैं कंप्लेंट ऊपर करूंगा उसके बाद आप कंप्लेंट करोगे। कस्टमर कंप्लेंट नहीं कर सकता सर। हाँ तो करो 1033 पे कॉल करो। वो तो अभी किया था, लेकिन मिस बिहेव की कहाँ करूँ? हाँ ऑनलाइन ही होती है भैया, मिस बिहेव की भी ऑनलाइन होगी। आप कंप्लेंट रजिस्टर नहीं दोगे इस समय? कंप्लेंट रजिस्टर नहीं दोगे? बड़े भाई मेरे पास कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वो आपके लिए ऊपर मत जाना, ऊपर कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ इस टाइम आपको ऊपर कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनील कुमार नाम है ना इनका, और आपके किसी भी स्टाफ ने ड्रेस नहीं पहन रखी है? हाँ नहीं पहनी भी। ठीक है, ये भी आप कंप्लेंट ऊपर। हाँ ये कंप्लेंट भी कह रहा हूँ, किसी भी स्टाफ ने ड्रेस नहीं पहन रखी और किसी भी स्टाफ को व्यवहारिक बात नहीं आती है आपको छोड़ के। सर आपको छोड़ के नहीं नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है। ये कहता है मैं था मारता देर नहीं लगाऊंगा। मैंने जब इनसे ड्रेस पूछा, नाम पूछा, जूता दिखा रहे हैं। फर्स्टली लिसन टू मी, मैं वहां से बाकी आया, मैंने कहा पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है जी। आते सर मैंने बात पूछी, भैया क्या दिक्कत होगी? आपने कहा भैया कस्टमर केयर से बात करो। मैंने कहा लाओ भाई जी, मेरे को स्पीकर भैया एज इट इज। आपकी बात से सहमत हुआ ना, पेनल्टी लगेगी। मैंने पेनल्टी पे किया ना सर, आपने आपने कहने पे नहीं किया बड़े भाई। हाँ एनएचआई एनएच वालों की कहने पे किया। मैंने सेकंड एनएच वालों ने मेरे को इतनी गंदे तरीके से, आप होते कौन चार गुना चार्ज करने वाले। मैंने कहा सर पहले सर वो आपके, आपने मुझे भी ब्लेम किया, वो आप उनको ब्लेम कीजिए कि वो गलत तरीके से बात कर रहा है। मतलब आपने मुझे पेनल्टी लगाई, मैंने पेनल्टी पे किया ना सर, लेकिन ये बंदा जूता दिखाने वाला कौन होता है? बोलता हूँ उस मालिक के अलावा मैं कभी किसी से नहीं डरता। मैं भी नहीं डरता क्योंकि मैं जेनुअन वर्क करता हूँ, और मैंने अभी भी जेनुअन। और कहते हैं आप होते कौन चार गुना, मैं आप कस्टमर को गुमराह करने वाले होते कौन हो, आपको नहीं पता? चलो ठीक है सर, उस बात को आप छोड़िए, मैं उस विषय पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं अब आपके सामने इस बंदे ने जूता दिखाया, इसने जूता दिखाया, अगर मैं गलत हूँ तो मेरा कंप्लेंट। सुनो भाई मैं नीली शर्ट के नीचे हूँ, उसने जूता दिखाया, मैंने नहीं देखा। आप दोनों की क्या बात हुई? आप ये कंप्लेंट 1033 पे कॉल करके, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर मैं झूठा हूँ, मैं इसने जूता नहीं दिखाया मेरे को, आप जो मर्जी कार्रवाई करो। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ना, 1033 पे कॉल करके फर्स्ट ऑफ कंप्लेंट कीजिए, एंड डे में आकर ऊपर जाके आपको वो रखा पीटीजेड कैमरा, पीटीजेड कैमरे में चेक कीजिए आपने क्या कहा और उसने क्या दिया। जी बिल्कुल, मैं कुछ भी सर एक बात और सुनिए, अगर मैं रूल तोड़ रहा हूँ तो उसके लिए पेनल्टी है, मैंने पेनल्टी पे किया है, लेकिन मैं जूता क्यों खाऊं और मैं किसी की धमकी क्यों सुनूं? एक चीज पूछूं भैया, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, आपको पता चल जाएगा कल तक। आप जूता नहीं दिखा सकते, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि आपने गलत व्यवहार किया है। ये बात इनको समझाऊं ना, फिर तो आप ही फिक्र उसकी तरफ करेगा, ये तो दोनों तरफ सेम चल रहा है, मैं किसको समझाऊं? आप अपने कर्मचारी को कहोगे कि वह मैन एंट्री में रह के बात करे, वह कर्मचारी बिना अगर ड्रेस के बिना है तो उसके बाद वो कम से कम सर पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, उसको बोलने की तमीज होनी चाहिए, बस बात खत्म। ईगो नहीं करता शायद, मेरे से ज्यादा तमीज कोई नहीं रखता। आप, मैंने आपको कब कहा था? मैंने आपसे उसी टाइम कहा था 17 ईयर टीचर हो गया, 17 ईयर कम नहीं होता। आपकी शक्ल देख के पता चल रहा था कि आप टीचर हो चाहे ना हो, आप अच्छे आदमी हो, अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन आप उस आदमी का सपोर्ट कर रहे हो जो पब्लिक के साथ मिसबिहेव कर रहा है। एक चीज कहूँ, मेरे को लगा जैसे आपने मेरे को फोन दिया था, मेरे को लगा आप बहुत अच्छी आदमी हो, पर जब आपने ये कहा भी आप, मैंने आप मेरे से पूछते भाई आपने मेरी रिकॉर्डिंग बंद की, मैं आपको तुरंत बताया था भैया मेरे स्पीकर बंद करने की कोशिश कर रहा था, तब तो आप मेरी बात सुन रहे हो, जी सर मैं बात सुन रहा हूँ, मेरे को नहीं पता चला भी आप। चलो वो छोड़िए सर, उस विषय को छोड़िए, मैंने आपको उस पर ब्लेम नहीं किया। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, सुनील ने मुझे जूता दिखाया है, आप मुझे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं दे रहे हो। भाई मैं कंप्लेंट रजिस्टर नहीं दे सकता, तो आप उसकी कंप्लेंट करोगे, ये आपका भी जिम्मेदारी बनती है। ऊपर बोल दूंगा। हाँ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और अभी भी वो दोबारा धमकी दे के गया है। भैया देखो आप कह रहे हैं ना मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, आप मेरे को ब्लेम नहीं कर रहे, मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, आपका तरीका सही। चलो वो छोड़िए, वो पता चल जाएगा। अभी भी उसने मुझे जूता दिखाया, फिर धमकी दे के गया, आपने कुछ नहीं कहा उनको, तो आपने अभी कुछ नहीं कहा? मैनेजर साहब को बोला मैं अभी जस्ट 33 पे भी कॉल करता हूँ, सुबह मैनेजर साहब को भी बोलूंगा, और फिर दोबारा फिर जूता दिखाया था, और अभी भी इसका जो भ्रम हो निकल जाएगा, हो गया भ्रम निकल जाएगा आपका। आप पब्लिक सर्विस पे हो, नहीं बोल सकते ऐसे, कंप्लेंट करो सर, मेरी कंप्लेंट करो, मैं गलत हूँ तो पता लग जाएगा सर कौन गलत है। अभी कर रहा हूँ सर, अभी अभी 1033 पे कॉल करूंगा सर, अभी अभी करूंगा सर जी सर, जरूर करिए।